उत्तराखंड के कई राज्यों में हुई बारिश और बर्फबारी के बाद नैनीताल, हल्द्वानी, लालकुआ और काठगोदाम समेत आसपास के क्षेत्रों का पारा गिर गया है, जिसके चलते बस स्टेशन समेत रेलवे स्टेशन पर लोग ठंड के कारण ठिठुरने लगे हैं। वहीं नगर आयुक्त हरबीर सिंह का कहना है कि ठंड के मद्देनजर नगर निगम द्वारा सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सर, अभी हमारे दो नए बने हैं, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा अभी कुछ दिन पूर्व ही उसके उद्घाटन किया है। वो समर्पित हैं लोगों के लिए, जहाँ पे हमारी समस्त व्यवस्थाएं हैं, जहाँ नहाने रहने या कंबल ओढ़ने और बिस्तर जो है हमारे जो हमारी चारपाइयाँ हैं, चारपाई पलंग मैं कह सकता हूँ जिसे, वो लगाए गए हैं। और गांधी आश्रम से हमने उसमें कंबल खरीद के रखे हुए हैं, जहाँ उनको जो है ठंड से उनको बचाव होगा। आपको बता दें कि उत्तराखंड के कई राज्यों में पिछले 12 घंटों के भीतर भारी बर्फबारी समेत बारिश हुई है, जिस वजह से पहाड़ी क्षेत्रों के तापमान में गिरावट आई है। नैनीताल से भूपेंद्र रावत की रिपोर्ट। व्यापार में लाभ होगा या हानि? रिश्तों में कैसे सुलझेगी परेशानी? किसका बनेगा शादी का योग? कौन से उपाय से कटेंगे रोग? मैं बताऊंगा मेष से लेकर मीन राशि का हाल भविष्यवाणी लाइव में पंजाब केसरी टीवी पर रोज सुबह 8 बजे।